हेलो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर सेकेंड। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए गाइस। टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकलन। क्या बोलेंगे बाबू? अवकलन। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर हम मैथमेटिकल मीनिंग की बात करें तो मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज। कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज। कोई चीज किस दर से, किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में इसका नाम बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बाबू? स्लोप या ग्रेडियंट। ओके, स्लोप ग्रेडियंट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ढाल, परमणता। ठीक है, आइए इनको मैथमेटिकल सिंबल कैसे नाम देते हैं बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं बेटा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। एक्स में कितना चेंज हो रहा एंड वाई में कितना चेंज हो रहा, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आइए, जैसे सपोज करो बेटा यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओरिजिनल फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स। कोई चीज लिखने का जो तरीका होता मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं, कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही। चेंज का मतलब ही होता फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ओके, अब क्या करिए, बोथ साइड आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो इस चीज को देखो ऐसे हम लोग लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। फंक्शन ऐसा ही रह दे दो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। तो ये चीज मैथमेटिक्स में सिंबल यूज किया जाता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है डेल्टा एक्स जीरो नहीं है बट जीरो की तरफ अप्रोच करे, मतलब जीरो की तरफ जा रही, बहुत छोटी वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। ओके, तो ये देखो डेल्टा हम लोग यूज करते हैं बड़े चेंज के लिए, जब बड़ी चेंज होती है, बिग चेंज होती है, तो वहाँ पर हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, और जब स्मॉल चेंज होती है, छोटे लेवल पर बातें करते हैं हम लोग, तो वहाँ डी लिखा जाता है। डी का मतलब भी चेंज होता है और डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, इस चीज़ को, ये जो इधर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखो डेल्टा एक्स छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा हो रहा, तो छोटे के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। ठीक है, इधर का ऐसा लिख दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ओके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इस चीज को लोग और भी नाम दे देते हैं, वाई डैश से भी कोई लिख लेता है, सिंबल है, लेकिन हम लोग यही लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना, डरना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बेटा, यहाँ समझिएगा, एक मेथड ही समझा दे रहा हूँ, रूल नाम दे दे रहा हूँ। ओके, डी बाई डी एक्स कोई फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब इनका हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो मान लीजिए आ जाता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, मान लेता हूँ ना, कुछ भी मान लो आप, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो इसे हम नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, इस रूल को, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसी पे आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट देता हूँ। ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, एक चीज़ ये बताइए, जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक, तो इसका क्या हो जाता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो इसको हमने लिख दिया स्मॉल एफ ऑफ, अंदर जो है वही रहेगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। अब देखो एक बार यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये जो फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी,
तो ए एक्स प्लस बी का जब हम लोग करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल इनका अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ये अभी याद रखो रूल ऐसा ही है, ठीक है। तो a यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा a f ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस रूल को आप लोग याद रखिएगा। तो मैं फटाफट कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ जो हम लोग यूज करेंगे बेटा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, ठीक। और कुछ मेथड है मैं आपको सिखा देता हूँ, नोट कर लो इसको अच्छे से आप लोग। चलो ठीक है, देखिए कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए। जैसे सपोज करिए डी बाई डी एक्स, यहाँ कोई कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, तो और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं रहा, जो अंतिम है वही प्रारंभिक भी है। तो आप बताओ चेंज, जैसे 2 माइनस 2 जीरो, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है कांस्टेंट का? ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ओके, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। सेकेंड देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया साइन एक्स, तो साइन क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। थर्ड अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। फोर डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का हो जाएगा बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूले हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, मुझे भी जैसे याद है ऐसे आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे बाबू? फिफ्थ नहीं, सिक्स हो जाएगा, ये फोर्थ हो गया तो फाइव हो गया, ये सिक्स फार्मूले बन जाएंगे आपके। अगर हम लोग मान लीजिए sec x का कर रहे हैं, sec x, तो sec x का हो जाएगा sec x into tan x, ये हो जाएगा, ओके। सेवंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा d by dx cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x into cot x। एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जिसका डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने हमने तो माइनस लिख रखा, देखो ध्यान से कॉस, तो इसके आगे हमने क्या लिख रखा बेटा? माइनस। स्कॉट, तो इसके आगे क्या लिख रखा हूँ? माइनस। कोसेक, तो इसके आगे क्या लिख रखा हूँ? माइनस। तो ये फार्मूले इतना ये याद रखो, अभी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, धीरे धीरे करके याद करो। सेवन एट यहाँ लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा ई के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स। नवा, तो a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x log a बेस e। दसवां फार्मूला अगर हम लोग बात करें log x d बाई डी एक्स log x, तो इसका हो जाएगा बाबू 1 अपॉन x, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो इतने फार्मूले आप याद करिए, कुछ रूल बता दे रहा हूँ, मेथड बता दे रहा हूँ, वो सब आप अप्लाई कर लो, ठीक। जैसे सपोज करिए बेटा, और भी देखिएगा, 11 की अगर हम लोग बात करें d बाई डी एक्स, ठीक, अगर x के पावर n है तो जो पावर x के पावर n है, तो जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 लिखा जाएगा। क्या देखो, पावर n था तो n पहले आ जाएगा, पावर में एक घटा दो। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे d बाई डी एक्स, अगर कोई पूछे x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो तो पावर कितना? 3, तो 3 पहले आ जाएगा। फिर बताओ क्या लिखेंगे, x के पावर 3 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आइए कुछ एग्जांपल आप समझ लीजिए, कुछ और भी रूल समझ लीजिएगा। जैसे 12 रूल में बात करें तो d बाई डी एक्स, जैसे सपोज करो हमने लिखा a, क्या लिखा बाबू? a, ए एक्स के पावर एन, तो यहाँ देखो वेरिएबल था, वेरिएबल के आगे कुछ नहीं था, यहाँ पे ए, ए एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जा रहा भाई? क्योंकि देखो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं कि चेंज होगा नहीं होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो बाहर आ जाएगा। ए बाहर कर लो, तो यहाँ पे लिख लोगे डी बाई डी एक्स
एक्स के पावर एन। बाकी आप सब जानते ही हो ए डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का यही आ जाता है, तो यहाँ लिख सकते हो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और भी रूल समझिएगा जल्दी से। 13 की अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स, जैसे सपोज करिए मैं ढेर सारा फंक्शन लिख दिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस भी कर लो, ठीक ये ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे जी एक्स और फिर ये एक्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम मतलब योग का अवकलन करना हम लोग को, तो हम इसे क्या कर सकते हैं तोड़ दो आसानी से, अलग अलग कर दो, मतलब d बाई डी एक्स किसके साथ ले आओ पहले x के, तो f ऑफ x हो जाएगा प्लस माइनस d बाई डी एक्स और g ऑफ x, जिसे दो फंक्शन है मेरे पास f x है और g x है, तो उनको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उनका डिफरेंशिएशन कर लिया, आंसर सेम आएगा। या आप अलग अलग करके उनको जोड़ दो तब भी आंसर क्या आएगा सेम आ जाएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस था, तो इसको डी बाई डी एक्स इसके साथ दिखा दो उधर। ठीक, अब देखो बेटा अगर यहाँ पे रूल समझिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंस बनने जा रहा है 14 नंबर फार्मूला। जैसे डी बाई डी एक्स ये एडिशन में था, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स तो इसका क्या बनेगा, दो फंक्शन गुणनफल में आया। अभी तक जितने फार्मूले आपने देखा सिंगल फंक्शन था, जैसे साइन था तो सिर्फ साइन था, कॉस कॉस, ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स, सिंगल फंक्शन था। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों गुणे में आ रहा है, पहला गुणे दूसरा बोलते हैं, पहला गुणे दूसरा, तो हमें एफ एक्स जी एक्स नेम दे दिया। तो इससे ये कर लो, जैसे पहले का आप करोगे तो दूसरे को छोड़ दोगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे मैं फर्स्ट को छोड़ दिया, किसका करूंगा d बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस, अब g ऑफ x को छोड़ दो और किसके को कर लो f ऑफ x का कर लो। तो ये रूल होता बेटा, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पहला देखो इसको बोल सकते हो पहला इसे दूसरा, तो पहला गुड़े दूसरा प्लस दूसरा गुड़े पहला, यानी एक को छोड़ो दूसरे को कर लो, फिर दूसरे को छोड़ो पहले को कर लो आप लोग। ठीक, अगर यही चीज हमारा डिवीजन में होता डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इसे बोलते क्यूशेंट फॉर्म, क्या बोलते बेटा क्यूशेंट फॉर्म में, अगर अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूले रूल बता रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ओके। तो देखो बेटा जब भी क्यूशेंट में रहे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसमें क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं अंश अपॉन हर, तो यहाँ पे होता हर इंटू यानी जी एक्स, इसके हिसाब से हम लिखेंगे जी एक्स डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स हर अपॉन हर का स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को मेमोराइज करना है, ये दो ही फार्मूले हैं बस, मेन इंपॉर्टेंट दो फार्मूले, ठीक, पहला गुड़े दूसरा और पहला बटे दूसरा। तो यहाँ हिंदी में देखो अंश अपान हर बोल सकते हैं, तो हर इंटू डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स, है ना, किसका हर का, और फिर हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले और भी मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ बेटा, जैसे समझिएगा, हाँ जैसे सपोज करिए ये नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाफट, मैं फार्मूले लिख दे रहा हूँ, चलिए आइए समझिएगा, ये इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो बहुत सारे बच्चों को पता भी होता नहीं भी पता होता, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये देखिए मैं फिजिक्स के लेवल पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैथ वाले इसकी बहुत सारे एक्सरसाइज और भी फार्मूले वो लोग देखते हैं, जैसे इनवर्स का भी देखते हैं और भी ग्राफिकल क्वेश्चन भी वो लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं ज़रूरत है बेटा, हमें इतना पढ़ लेना कि फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट हर एक न्यूमेरिकल आसानी से लग जाए, मेरे को समझ में आ जाए। ठीक, तो देखो बेटा जैसे सपोज करिए आपने तो सीखा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का क्या आता है बेटा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला आपने सीख लिया। अगर ये बोलता बेटा कि इसे एन टाइम्स डिफरेंशिएट करो, तो लिखने का तरीका ये होता है एन टाइम्स डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा, आओ देखा जाए, एक बार जब करोगे आप लोग फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए,
जब इसका पहली बार किए इतना आ गया, ठीक। अगर दूसरा हम करते इसको, दूसरा इसको भी बाद में लिखेंगे, समझिएगा, दो बार करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से करोगे यानी एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन इसका जब करोगे तो देखो ये कांस्टेंट हो गया एन, तो एन तो बाहर आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो एन इंटू इसके पावर कितना बेटा एन माइनस वन, फिर पावर में एक घटा दो तो एन माइनस टू हो जाएगा ना, एक पहले से घटा हुआ एक फिर घट जाएगा तो एन माइनस टू हो जाएगा। अब इसे तीसरी बार करने जा रहे हैं डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, अब इसका करेंगे एन एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर एन माइनस टू, तो ये बताओ जब इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया एन एन माइनस वन और फिर ये भी बाहर आ जाएगा एन माइनस टू और फिर पावर में एक घट जाएगा एन माइनस थ्री, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि एक बार देखो जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक, और पावर एक एक घटती चली जा रही। तो एक चीज़ बताओ डायरेक्ट हम लोग एन पे चले जाएं, ध्यान से समझिएगा, कनेक्ट करिएगा एन डी बाई डी एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे ही बताओ एन माइनस थ्री एन माइनस फोर डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ना, मतलब वन आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा वन आएगा, क्योंकि देखो एन में से एक एक घटती चली जा रही है, एक एक घटते जा रही है बेटा, ठीक। तो लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ एन माइनस एन आ जाएगा, एन माइनस एन आ जाएगा, तो एन माइनस एन एक्स के पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो होती तो वैल्यू कितनी होती वन, तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा वन। तो ये आपको याद होगा यार बाइनोमियल में एन एन माइनस वन, ये तो फैक्टोरियल एन के बराबर होता है, तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये किसके बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल एन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्स के पावर एन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एन टाइम्स तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा, तो यही तो आ जाएगा यार फैक्टोरियल एन के बराबर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर मार दीजिएगा आप लोग, ठीक। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट एक और फार्मूला, अभी एक क्या दो तीन फार्मूले मैं आपको फटाफट सिखा दे रहा हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स, अगर एन बार हम साइन का भी कर लें, चलो साइन का कितना आएगा हमें नहीं पता ना आपको पता, और देखा जाए देख तो सकते हैं हम लोग। एक चीज बताओ अगर साइन का पहली बार करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका क्या होता बाबू कॉस एक्स, दोबारा करेंगे डी एक्स स्क्वायर, और ये दोबारा मतलब इसका कर रहा हूँ ना कॉस एक्स, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। अगर हम तीन बार कर रहे हैं डी बाई डी एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा माइनस कॉस, क्योंकि देखो माइनस ही है तो साइन का कॉस होता माइनस है इसके साथ, तो माइनस इसके साथ आ गया। फिर जब फोर्थ टाइम्स आप करोगे फोर डी बाई डी एक्स के पावर फोर माइनस कॉस एक्स, ये बताओ माइनस तो बाहर हो जाएगा माइनस से कोई मतलब नहीं, और कॉस का क्या होता माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ए यार ये तो हमने जो पहला स्टार्ट किया था साइन एक्स फिर साइन एक्स आ गया, यानी चौथी बार स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या आप ये बताओ डायरेक्ट ऑब्जर्व करके ये नहीं लिख सकते आप लोग, ऑब्जर्व करिए ध्यान से सुनिएगा मैं जो लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट, मेरे को यहाँ पे दिख गया कि साइन एक्स का अगर एन बार करेंगे तो इसे लिख सकते एन पाई बाई टू प्लस एक्स लिखा जा सकता, कितने लोग को ये समझ में आ गया बाबू। देखो एक बार सुनो, अगर एन की वैल्यू वन रख दो, वन रखो ठीक, तो ये बताओ पाई बाई टू और प्लस एक्स, यहाँ साइन लिखना पड़ेगा साइन साइन, तो ये बताओ पाई बाई टू प्लस एक्स साइन क्या होता कॉस एक्स, तो देखो पहली बार क्यों कॉस एक्स, दो बार करोगे तो पाई पाई क्या होता पाई पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओ सॉरी पाई पे कितना हो जाएगा कॉस, तो बदल लो देख लो, जैसे एन की वैल्यू टू रखोगे तो टू बाई टू पाई प्लस एक्स, और पाई प्लस एक्स क्या होता माइनस साइन एक्स, ठीक, वो तीसरे में चली जा रही है ना बदलती नहीं माइनस साइन एक्स, ठीक। तो ये फार्मूला हमारा सही हो गया। ऐसे ही बताओ डी बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एन एन ये कॉस एक्स, ये भी आ जाएगा कॉस एक्स, आप लोग इस पर न्यूमेरिकल रख रख के चेंज कर लेना चेक कर लेना,
ये तीन फार्मूले हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को आना जरूरी था। एक और लिख दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, अगर डी बाई डी एक्स e के पावर m इंटू एक्स, इसका n टाइम्स करना हो तो क्या आएगा, कौन बताएगा, बोलो। सब बता देगा यार, e के पावर x का वही हो जाता जो होता वही होता, लेकिन इसके साथ m m भी जुड़ा यार, तो इसको n टाइम्स जब करोगे तो क्या लिख सकते हो, m इंटू एम, यानी m के पावर n इंटू e के पावर m इंटू एक्स, ये फार्मूला आ जाएगा। तो चार फार्मूले आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहा हूँ बेटा, ठीक। चलो एक और लिख लीजिएगा, जैसे मॉड एक्स का क्या होता है, ये भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, डी वाई डी एक्स मॉड एक्स। तो कुछ बच्चों को तो मॉड स्प्लिट करने का तरीका नहीं पता, उनको आ भी नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा ये मैं आपको सिखाऊँगा मैथ में ही। तो x अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं, या ये भी लिखा जाता है मॉड x अपॉन डेल्टा x, ये कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। मॉड का भी आपको सिंबल बेसिकली पता नहीं होगा कुछ लोग को, बाकी मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सबको पता ही होगा कि कैसे तोड़ते हैं। तो मॉड x का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, सर जी x अपॉन मॉड x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसे एक एग्जांपल मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ, पहले रूल सब बता दे रहा हूँ, ठीक। चलो देखो, जैसे सपोज करिए हमारे पास दो फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ t एंड यहाँ पे लिखा हुआ बेटा x इज इक्वल टू gt, x इज इक्वल टू gt, और क्वेश्चन पूछ रहा बेटा dy by dx हमें चाहिए, क्या चाहिए dy by dx। तो ये देखो पहले इसको क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो dy by dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ t कर लो आप लोग, ये t होगा ना, तो ये आप मान लो f dash t हो जाएगा, क्या हो जाएगा f dash t, ऐसे इसको dx by dt तो ये हो जाएगा g dash t। तो जब इनको भाग दे दोगे आप लोग, भाग दीजिए नहीं समझे, जैसे कोई दो फंक्शन है बेटा, एक टी टी के रिस्पेक्ट में अब पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा, तो यहाँ पे तो एक्स नहीं था ना, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने डी वाई बाई डी टी किया, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी किया, तो आप दोनों को जब डिवाइड करोगे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये बताओ क्या बनेगा, एफ डैश t डिवाइडेड बाई जी डैश टी, और यहाँ से टी टी कट जाएगा, तो ये बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश टी डिवाइडेड बाई जी डैश टी, कुछ है नहीं ये पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक मतलब जो प्राचलिक फंक्शन होते हैं उनका करने का जो तरीका होता है ऐसा ही हम लोग करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट कर लो, हर मतलब जैसे दो फंक्शन है ना तो दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लो, डिवाइड कर लो, ऐसा जब भी दो फंक्शन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक। जैसे सपोज करिए x इज इक्वल टू, एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दे दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूँगा बेटा, छोटा सा ही करके मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। जैसे x इज इक्वल टू लिखा हुआ बेटा a ब्रेकेट में थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a ब्रेकेट में वन माइनस कॉस थीटा। आइए अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो ये थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है, ये तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसे आप ये करो इसको डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए से कोई मतलब नहीं, ए बाहर आ जाएगा, तो ये बताओ डी थीटा जैसे एक्स है तो एक्स का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो थीटा का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो वन प्लस साइन क्या क्या होता है बेटा कॉस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर। ऐसे इसका जब करोगे आप लोग डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए वन माइनस वन का कितना हो जाएगा जीरो, वन का देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, तो वन का जीरो, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ओके। तो इसे हम मान लेते हैं बेटा फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकेंड, और चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो दोनों को भाग दे दो आप लोग, ठीक।
तो जब डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा करोगे थीटा थीटा कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी पहले ये लिखा हूँ तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए ब्रेकर में वन प्लस कॉस थीटा ए, और ये कट जाएगा। अभी तो इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, साइन हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब कॉस का कौन सा फार्मूला आप लगाओगे, क्यू वन कट जाए, आपको पता होगा वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, तो वन से वन कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यानी आपको दिख रहा होगा आ जाएगा टेन थीटा बाई टू। ये ऐसे करने का तरीका होता है, कोई भी पैरामेट्रिक फंक्शन है तो इसको दोनों को कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो अलग अलग, ठीक है, वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी से, एक इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आपकी ज़रूरत का नहीं है, इसको रहने दो, ठीक। एक एग्जांपल कर लीजिएगा आप लोग, जैसे सपोज करिए बेटा हम लोग बात करें, डी बाई डी एक्स, सपोज करिए वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का क्या आएगा बेटा, सॉल्व कर सकते हो इसको करने का, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर माइनस वन, तो पावर पहले आ जाएगा, पावर में एक घट जाएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे ही बताओ डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो ये कितना आता, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे बताओ डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब होता है तो माइनस थ्री अपॉन एक्स के पावर फोर। तो एक चीज़ बताओ, मुझे लग रहा जो भी देख रहे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप लोग, ठीक है। तो ये बताओ अगर हम डॉट डॉट करके n लिखना चाहें, डी वाई डी एक्स वन अपॉन एक्स के पावर n, तो ये देखो जैसे यहाँ थ्री था तो थ्री आया, टू था तो टू आया, तो ये माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स के पावर n प्लस वन, एक बढ़ जा रही है ना। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस फार्मूला बन जाएगा बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो एक एक एग्जाम्पल उसका भी करवा दे रहा हूँ फटाफट, ठीक। पहला इंटू दूसरे का छोटा छोटा एग्जाम्पल लूँगा ताकि क्लियर हो जाए, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स या एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये बताओ अभी तक हम लोगों ने किया तो सिर्फ एक फंक्शन का किया, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक्स स्क्वायर और फिर बगल में साइन एक्स भी है। तो मैंने मेथड बताया हूँ, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड यानी साइन एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ दो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और साइन का क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, पावर पहले आ गया पावर में एक घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स, तो ये फाइनली आंसर आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये आंसर आ गया अपना, क्लियर। ऐसे आप लोग वो फार्मूला लगा लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क देते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, ये आप लोग कर लीजिएगा। जो भी आपको डाउट पड़ेगी, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको सिखाऊँगा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं, बेसिक रूल क्या हैं, मेथड्स क्या है, फिजिक्स से इनका कनेक्शन कैसे है, क्या मतलब इनका, ये सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद।